आदिन कैसे आप सुन कदम खैरियत के होंगे। मैं आपका दोस्त आपका भाई मामा चिराज हूँ। आप सब ठीक हैं, खैरियत हैं? हमारे यहाँ पे यार सबको बुखार हुआ है। आप सबको बुखार नहीं हुआ है ना? यहाँ तो सर्दी की वजह से ना मुझे भी बुखार हो गया, मुझे भी बुखार हो गया था, सबको भी बुखार हो गया था। आप सब भी गर्म गर्म कपड़ा पहन के रखो, आप सब भी, वरना बुखार हो जाएंगे। आज का सीन ये है, मैं और मुस्कान कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? तो आज हम जा रहे हैं जी आलू लगाने का सीजन आ चुका है, इसलिए मैंने आलू लगाने जा रहा है हम खेत में। वो हमारा खेत तो उधर है, उधर देखो उधर। मुस्कान जल्दी जल्दी सलाम करो। मैं नहीं करूँगा। करो। मैं नहीं करूँगा, आप करो। ओके, मैंने तो किया है ना, आप भी करो ना। करो, नाजरीन बहुत खुश होता है आपकी सलाम से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से घर के और वाले घर जाने। अच्छी तरह करो ना प्लीज यार। नहीं नहीं, अच्छी तरह करो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं खैरियत से होंगे यहां तक भाई बाबा गांव का ना। देखो यहां पे मुस्कान फूल काट रहा है। वैसे मुस्कान आपकी बर्बारी कब तक खत्म हो जाएगी? मुस्कान आपकी बर्बारी नहीं, हाँ नहीं खत्म नहीं हो जाएगी। इसका मतलब मुस्कान की बर्बारी कभी खत्म नहीं होगी। तो अभी चलो जल्दी जल्दी अपने खेत में चलते हैं। और चाचा आप सुनाओ क्या हाल है? स्कूल जा रहे नहीं जा रहे आप? जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप स्कूल नाकाबिल है या नाकाबिल है? दरमियाना है। है, अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं चाचू? मैं 6 क्लास में। सिबनी बताओ। SIX। मुझे टेबल पर सिबनी बताओ। जी टेबल का VERTAIAR। आपने तो मुझे टेबल की सिबनी गलत बोला। मैं बताऊं VEGLETE वेजिटेबल। वेजिटेबल हो गया ना यार। इस क्लास में अभी तक वेजिटेबल का सिबली नहीं आते यार, मुझे भूल गया। अच्छा सब इम्तिहान में भी भूल जाओ, ठीक है? फर्स्ट आ जाएंगे। तो आज बहुत बहुत मजाक हो गया यार। आज तो खेत में चलते हैं, फिर काम करते हैं यार। आज तो मुझे बहुत काम है। अभी मैं आपको अपने दादाजी से भी मिलवाऊंगा। दादाजी उधर खेत में पानी लगा आलू लगा रहा है। मैं आपको अपने दादाजी से कभी नहीं मिला हूँ ना, आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने दादाजी से। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, आप अकेला क्या कर रहा है? अच्छा आलू लगा रहे हैं मेरे दादाजी। देखो यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, मैं उधर जाके मिलाऊंगा उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप क्या कर रहा है? मैं बेटे मैं आलू काश कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो मेरी दादाजी आलू लगा रहे हैं इस खेत को। तो दादाजी आप पहली बार हमारे वीडियो में आए हैं। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम है। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 53 साल। 53 साल है माशा बेटा। तो दादाजी आप हर वक्त काम करते हैं, क्यों रहते हैं? बस बेटा ये काम करना बड़ा सवाब का काम है। अच्छा अच्छा, हमारा अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी काम किया है। अच्छा। और हम सबको भी काम करना चाहिए। काम करने से तंदुरुस्त रहते हैं, सेहत ठीक रहते हैं बेटा, और हमें फ़ायदा भी होता है। माल मवेशी पालते हैं, अच्छा सब्जी उगते हैं और हम सब खाते हैं बेटा। अच्छा, इसलिए काम करते हैं बेटा। अच्छा, काम करने से सवाब भी मिलते हैं? बिल्कुल सवाब मिलता है बेटा। अच्छा जी, तो ये सब आपने लगाया है? बेटा मैंने लगाया सारा। अच्छा ये सब आपने लगाए हैं। अच्छा, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं सुबह आया हूँ, सुबह अभी बन गया यहाँ आकर के काम कर रहा हूँ बेटा। अच्छा, अभी तैयार होने वाला, अभी खत्म होने वाला बेटा। अच्छा अच्छा, अभी खत्म हो गया ये कर रहा है? बस मैं थोड़े से रहते हैं, मामूली काम ये कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े जी बेटा, बस खत्म हो रहे हैं वाला। यार तुम अबू की मदद करो ना, तुम कैसा बेटा है? जी मैं करूंगा ना। करो ना, अबू मुझे दे दो। ये लो बेटा, उधर से लाओ, उधर से लाओ, उधर से नीचे इधर लाओ। आपका ये बेटा आपकी मदद नहीं करते हैं क्या? ये पढ़ते हैं बेटा, हम तो पढ़ाई करते हैं। आज छुट्टी के दिन है, सिर्फ आज ही मेरे पास रहा, बाकी स्कूल जाते बहुत दूर जाते हैं। स्कूल सुबह जाते, शाम को वापस आते बेटा। शाम को वापस आते? जी जी जी। अबू की मदद करो, ठीक है? ठीक है।
अबू खुश हो जाएगा फिर मुस्कान तू कितने सारे फूल लाए वाओ और आपने ये आलू लगाए हैं कब ये तैयार हो जाएगा दादा ये इंशाल्लाह वो ताला तकरीबन 3-4 महीने के बाद अगस्त सितंबर तक तैयार हो जाएगा बेटा अगस्त सितंबर तक जी 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 इंशाल्लाह तकरीबन 3-4 महीने के बाद तैयार होते हैं अब मैं अपने दादाजी की मदद करूंगा दादाजी की मदद करना अच्छी बात है मुस्कान कैमरा पकड़ो तो देखो यार मेरे दादाजी सुबह से काम कर रहे हैं थकते ही नहीं हैं तो अभी आलू बालू लगा के ख़त्म हो गया तो अभी हम जा रहे हैं करने मैंने आपसे कहा था ना मैं मुझको बहुत काम है इतने सारे काम है तो वो मुर्गी का घर है ना वो पुराना वाला टूट गया तो नया बना रहे हैं हम तो वो मुर्गी का घर हम बनाने के लिए जा रहा है अभी मुर्गे का घर ही नहीं है अभी टूट गया है वो कच्चा कच्चा घर हो के ओ यहाँ पे मेरे दोस्त करामटे और मेरे दोस्त मामू सेन भी है यार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप ठीक है आप ये क्या पकड़ा हुआ है ये गाड़ी गाड़ी पकड़ा हुआ है अच्छा अच्छा ये रस्सी से बनाया हुआ है गाड़ी है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप क्या कर रहा है बैठा हुआ देखो ये बैठा हुआ है ओ बैठा हुआ आप खड़ा है ना खड़ा है अच्छा यार मामू से आज तो मुझे बहुत काम करना पड़ा यार क्या काम करना पड़ा आज तो मुझे ना खेत को आलू लगाने पड़ा यार अभी मैं जाता हूँ घर अल्लाह हाफिज मुर्गे का घर बनाने जा रहा हूँ यार मुर्गे का घर टूट गया अल्लाह अल्लाह और ये गाय तो हर वक्त यहाँ पे रहते हैं किसी को नहीं डरते हैं देखो और मुझे ये हर वक्त दीन करके देखते हैं और ये देखो ये छोटा सा किचन है ये हमने पहले बनाया था फिर टूट गया देखो गुल्लू मुल्लू चुल्लू मुल्लू मैं आ गया हूँ देखो इधर तो देख गया ये देखो पहले से बहुत बड़ा हो गया यार देखो माशाल्लाह ये कितना प्यारा है यार चुल्लू मुल्लू आपने कुछ खाया है नहीं खाया है गुल्लू मुल्लू हाँ निकाया अच्छा अच्छा तो मेरी कान निकाल ना क्या हो गया यार इसको क्या हो गया मेरी कान कह रहा था आज कुछ खाया नहीं खाया हाँ जी खाया नहीं खाया हाँ क्या कर रहे हैं ये तो मुझे ये कान ऐसे कर रहा था ये देखो ये बाकी गुलमुलू इधर है ये उस दिन पहाड़ों में गुम हो गया था ये वाला इसके बाद हम उसको घर में कैद किया हुआ है कैद अभी मेरे दादाजी गाय को ये दे रहा है देखो इसमें फे आटा है आटा देखो ये मेरी प्यारा प्यारा गाय है दादाजी ये गाय कितने साल का है ये तकरीबन 8 साल का है बेटा अच्छा ये मारते हैं नहीं मारते अच्छा। बहुत शरीफ जानवर है शरीफ है जी शरीफ है कभी नहीं मारते देखो अभी मैं सब गुल्लू मुल्लू को खाना देता हूँ मैं खाना लेके आया हूँ किचक 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 खाओ पियो ऐश करो किचक किचक ये सब खा दिया देखो तो ये मेरी रोज रोज को काम होता है देखो मेरे प्यारा इतना प्यारा कि मेरी यम करते इतना प्यारा है ये मेरे गुल्लू मुल्लू लड़ाई झगड़ा मत करो सब इत्तेफाक से खाओ ना ठीक से खाओ तो अभी मुर्गियों का घर देखते हैं बेचारे घर नहीं है यार देखो ये देखो बेचारा मुर्गी को घर नहीं है इसलिए यहाँ बैठा हुआ है बेचारे मुर्गी लोग इसलिए हम अभी यहाँ पे नया घर बना रहा है इसलिए मुर्गियों को घर नहीं है ना बेचारे मुर्गियों को चाचा इसको जल्दी जल्दी घर बनाओ यार ये बेचारे तो कुक 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 कर रहा है यार कब तक बनेगा ये घर शाम तक कैसे बनेगा यार ये देखो चल अभी मुर्गियों का घर बनने की शुरू हो गया फिर शाम तक बनेगा इंशाल्लाह मुझे तो मुर्गा का फिक्र नहीं है मुर्गी का फिक्र है मुर्गी का मुर्गा अंडा नहीं देता है मुर्गी अंडा देता है मेरे मुर्गा को मैंने मुर्गा को ना इतने दाना दिया ना फिर उसने नहीं दिया पता नहीं ये देखो बाकी मेरे घर के छत से मेरे गाँव कितना खूबसूरत लगता है देखो
ये देखो अभी गर्मी आई है ना, इसलिए वो बर्फ अभी थोड़ा थोड़ा है।